नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की विशेष खबर पर। शशिकला की मुश्किल बड़ी, पनीर सेल्वम ने की बगावत। अन्नाद्रुमक में मंगलवार रात वीके शशिकला के खिलाफ उस समय बगावत फूट पड़ी जब मुख्यमंत्री ओ पनीर सेल्वम ने यहां आकर सनसनी फैला दी कि उन्हें रविवार को इस्तीफे के लिए मजबूर होना पड़ा ताकि शशिकला के इस पद पर काबिज होने का रास्ता साफ हो सके। पनीर सेल्वम ने संकेत दिए कि अगर तमिलनाडु की जनता और पार्टी कार्यकर्ता चाहेंगे तो वो अपना इस्तीफा वापस ले सकते हैं। इस बीच शशिकला ने कहा कि मेरे खिलाफ पनीर सेल्वम की बगावत के पीछे द्रमुक है। उन्होंने पनीर सेल्वम को पार्टी से निकालने की मांग भी की। आमतौर पर शांत रहने वाले और जयललिता के भरोसेमंद रहे पनीर सेल्वम ने 5 दिसंबर को जयललिता के निधन के बाद पार्टी की घटनाओं पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि वरिष्ठ मंत्री और नेताओं द्वारा उनका अपमान किया गया और इन लोगों ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के बाद उन्हें कमतर करने का प्रयास किया। यह घटनाक्रम ऐसे दिन हुआ जब वरिष्ठ अन्नाद्रुमक नेता और राज्य विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष पीएच पांड्यान ने शशिकला के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका। इससे पहले पनीर सेल्वम ने जयललिता की समाधि पर अप्रत्याशित दौरा किया और करीब 40 मिनट तक ध्यान किया। इससे राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा हो गई। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने पूरी कहानी बताई कि किस तरह शशिकला को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उन्हें मजबूर करने का प्रयास किया गया। पनीर सेल्वम ने कहा कि जयललिता के निधन के बाद उनका मुख्य काम पार्टी और सरकार की छवि की रक्षा करना था, जैसे कि दिवंगत मुख्यमंत्री छोड़कर गई थी, लेकिन उनके प्रयासों को ध्वस्त करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि बीते रविवार को उन्हें जयललिता के निवास पोलिस गार्डन बुलाया गया जहां शशिकला रह रही है। आवास पर पार्टी के वरिष्ठ नेता, विधायक, मंत्री और उनके परिजन मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मुझे बैठक के लिए बुलाया गया जिसके विषय के बारे में मुझे पता नहीं था। मैं शशिकला के पास गया और उन लोगों ने मुझसे इस्तीफे के लिए कहा। उन्होंने कहा कि मुझे शशिकला को मुख्यमंत्री बनाने के लिए इस्तीफा देना चाहिए। मैंने उनसे पूछा कि विधायकों की बैठक की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा कि पार्टी महासचिव और मुख्यमंत्री पद एक ही व्यक्ति के पास होने चाहिए। पनीर सेल्वम ने कहा कि उन्होंने 2 घंटे तक मुझे समझाया, लेकिन मैंने उनसे पूछा कि क्या मुझसे इस्तीफे के लिए कहना सही है, क्योंकि अन्नाद्रुमक विधायक दल के नेता के रूप में मुझे चुना गया जबकि मैं पहली बार में ऐसा नहीं करना चाहता था। फिर भी मुझे अपमान सहना पड़ा ताकि पार्टी का अनुशासन बना रहे। इस बीच अन्नाद्रुमक के नेता एवं लोकसभा डिप्टी स्पीकर एम थंबीदुरई ने पनीर सेल्वम के इस दावे को खारिज कर दिया कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी प्रमुख वीके शशिकला मुख्यमंत्री होंगी क्योंकि सभी विधायक चिदम्मा के साथ हैं। और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पुतिन को नहीं जानते ट्रंप, रूस के साथ कोई समझौता नहीं। गलत आयकर विवरण देने पर सीए पर लगेगा 10,000 का जुर्माना। कोलकाता में फ्लैट से अभिनेत्री बितास्ता साहा का शव बरामद। पाकिस्तान में 6.3 तीव्रता वाले भूकंप के तेज झटके। गोवा में अमेरिकी महिला से बलात्कार करने के आरोप में योग शिक्षक गिरफ्तार।